ಸರ್, ಈಗ ಟೈಟ್ಲು ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಕೋ ಕಿತ್ನ ಪಾಸ್ ಹೋತಾ ಇದೆ? ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि इसमें लड़का लड़की के घर रहने जाता है, लड़का ससुराल में जाता है ससुर के घर. सो ये जो टाइटल है उसमें उसका मीनिंग ऐसा है कि लड़का ससुर के घर आया. सो हमारे गुजराती में इसका टाइटल है वर पधराओ सावधान. मतलब जब पंडित बोलता है ना मैरिज में, तो वो ऐसा बोलता है कि जब कन्या को बुलाना होता है तो बोलता है कि कन्या पधराओ सावधान. सो इसमें कन्या नहीं लेकिन वर जाता है. सो इसमें हमने टाइटल रखा है वर पधराओ सावधान. सो हम ऐसा टाइटल ढूंढ रहे थे कन्नड़ा के लिए कि जो यहाँ के लोगों को कनेक्ट कर पाए. सो और कन्नड़ा लोग सिनेमा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. exactly. और ये टाइटल जो हमें मिला है, वी आर वेरी मच प्रिविलेज्ड एंड वेरी मच लकी कि ये टाइटल हमें मिला. विष्णुवर्धन सर का फिल्म का ये जो गाना है, और गाने का ट्यून भी मुझे बहुत अच्छा लगा. गए एक बार और पास हो जाते हैं कर्नाटक लोगों के लिए. ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತೋ. ಮೀನಿಂಗ್ ಪತಾ ಹಾ ಮತ್ತ ಜಮಾಯಿ ಸಸುರ್ ಕೆ ಘರ್ ಆಯ रात को आया, रात को आया, रात को आया. ओके. क्या, क्योंकि रात्रि ये जो है ना, इसके शादी के पहले जो आते हैं ना, हाँ हाँ, मीट करने के लिए. यस यस, मैंने विजुअल भी देखा, इट्स वेरी नाइस विजुअल इन द सॉन्ग. सो ये गाना यहाँ पे इतना फेमस है और आई थिंक लोगों को कनेक्ट करेगा ये मूवी. और ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, वो उसमें बात ऐसी है कि जमाई ससुर के घर जाता है. सो दैट्स व्हाई ये टाइटल रखा हुआ है. ओके. और हीरोइन में आप क्या बोलती है, ये टाइटल और कर्नाटका में जो है ये पहली गुजराती सिनेमा है जो यहाँ पे डब होके रिलीज हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है? बहुत प्रिविलेज्ड और ऑनर्ड फील होता है जब एक कंटेंट, जब एक स्टोरी दो लैंग्वेजेस को मर्ज कर सकता है. तो आई फील दैट इज़ अ वेरी गुड एंड प्रिविलेज्ड थिंग दैट आई फील. बहुत खुशी हुई मुझे कि गुजरात से एक स्टोरी हम कन्नड़ा ऑडियंस तक लेकर आ सके. और उसके साथ साथ मज़ा ये भी आ रहा है कि हम पहली बार कन्नड़ा लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. तो बट ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, वो थोड़ा यूनिवर्सल आइडिया है. क्योंकि एंड स्पेशली इंडिया में हर जगह शादी करके एक लड़की लड़के के घर जाती है. अब ये फिल्म में हमने सिर्फ ये ट्राई किया है कि जो लड़की अपना घर छोड़कर आती है उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस को हम समझा सके. क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ एक लड़के से नहीं होती, उसके पूरे फैमिली के साथ होती है. तो ये फिल्म में हम लोग ने यही शोकेस करने का ट्राई किया है कि जब लड़का अगर छोड़ के आता है तो उसे कैसा फील होगा. एग्जैक्टली ऐसा ही फील लड़कियों को होता है. ओके. जो आप यहाँ पे आके कन्नड़ा कितने सीखे आप? हम इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा हमें आता है. फिर आई थिंक अभी मैंने ये भी सिखा था, जो बेलगांव, आई थिंक नॉर्थ कर्नाटक साइड का जो एक है स्लैंग, बेंगलुरु मस्त इतले अप्पा किया है. उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी बिकॉज दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. बहुत अच्छे से डब किया है. एंड जितना हम लोग ने, इवन हम लोग जब ट्रेलर में देख रहे हैं, तो द वॉइस आर एंड द मूड, द टोन, एवरीथिंग इज सूटिंग द सीन. तो इनफैक्ट मुझे रायरु बंदरु मावन मनेके का ट्रेलर वर पधराओ सावधान से ज़्यादा बेटर लगता है. क्योंकि हाँ, बिकॉज वो जो इम्पैक्ट है इज वेरी नाइस एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. ऑल द एक्टर्स हु डब द फिल्म वेरी नाइस. सर आप जो डबिंग चालू था आप थे क्या यहाँ पे? नहीं, हमने जो हमारे एक फ्रेंड है उन्होंने किया हुआ है. सो उन्होंने कास्टिंग बहुत परफेक्ट की हुई है सारे कैरेक्टर, जैसे मेरा कैरेक्टर है किंजल का, मेरे फादर इन लॉ का, तो उनका जो टोन है वो परफेक्ट सेट होता है उस पर. सो इट हैज़ कम आउट रियली वेल. और हमने पूरी मूवी भी देखी कन्नड़ा लैंग्वेज में डब है. सो लोगों और ट्रांसलेशन भी ऐसे किया हुआ है कि जो प्योर ट्रांसलेशन नहीं है, यहाँ की लैंग्वेज को कनेक्ट करे ऐसा है. सो आई थिंक कन्नड़ ऑडियंस विल लव दिस फिल्म.